ओ मैं सिंहराज, मुझे मैं एक किसान फैमिली से संबंध रखता हूँ। मेरा पूरा नाम सिंहराज अधाना। मैंने अभी 1.5 साल पहले शूटिंग शुरू करी है, और P4 इवेंट हमारा फ्री पिस्टल, और P1 10 मीटर। अभी 10 मीटर फ्रांस में पिछले सप्ताह में खेला, मेरी 5वीं पोजीशन रही वर्ल्ड में, और अब मैं उसी इवेंट में ओलंपिक कोटा भी लेके आया हूँ P4 फ्री पिस्टल 50 मीटर में। और ये मेरे देशवासियों का प्यार, मेरे कोच का, मेरी टीम का, और हमारे PCI का, और हमारी साई का, नोटियाल साहब का, उन्होंने बेहतरीन कार्य करा है हमारे पैरा एथलीट्स के लिए, जिसकी बदौलत आज हम अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। उन्होंने मौका दिया है, और इस मौके को हमने साबित भी कर दिया दोबारा से एशियन गेम में मैं 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल भी मैंने लिया है। मैं कंटिन्यू 21 शॉट्स पर पहले पायदान पर रहा, लेकिन अफसोस कुछ थोड़ी सी शायद कमी मेरी चूक रही, जो मेरा गोल्ड मेरे हाथ से फिसल गया और मैं ब्रॉन्ज मेडल पर आ गया। लेकिन मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट टाइम गोल्ड में बल दूंगा, और मैं अपने अनुभव और अपने कोच टीम और अपने कोच की सहायता से, मुझे उम्मीद है कि हमें बेहतरीन रिजल्ट अपने देश के लिए ओलंपिक में भी टोक्यो 2020 में गोल्ड जरूर लेके आएंगे। मैं इसका श्रेय अपने फैमिली, अपने मदर्स, अपने वाइफ, अपने बच्चों को देना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा मेरे सपोर्ट करते हैं, अचीवमेंट मुझे देते हैं खेलने के लिए। मेरा बेटा हमेशा मुझसे गोल्ड मांगता है, तो मैं चाहूँगा उनको एक बार गोल्ड में अपने बेटे को ला के दूँ, अपनी वाइफ को ला के दूँ। क्योंकि जब मैंने शूटिंग करी, अपना काम बिजनेस छोड़ के जब मैंने शूटिंग को शुरू करा है, तो बड़ा दुख हुआ मेरी फैमिली को भी कि यार बच्चों को, फैमिली को चलाना भी है, कहाँ से बजट लाएंगे इतने बड़े गेम को खेलने के लिए, क्योंकि 50 मीटर जो इवेंट है बहुत महंगा है देश में खेलने के लिए, और एक साधारण किसान फैमिली के लिए गेम खेलना आसान नहीं है। लेकिन मेरी फैमिली ने जो मुझे आर्थिक मदद करी है, मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने, उसको मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे कहीं भी फंडिंग की मुझे ज़रूरत हुई तो बिना मांगे उन्होंने मुझे फंड मुझे जुटाया उन लोगों ने मेरे लिए। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा समय समय पर मुझे जो उन्होंने मजबूती दी है, मेरे छोटे भाई उद्यम अधाना ने, सुनील अधाना ने, मेरी मदर और वाइफ ने, मेरे बच्चों ने मुझे बिल्कुल गेम के लिए फ्री कर दिया है कि सिर्फ अपने देश के लिए खेलें और मेडल लेके आएँ। यदि आप चूकते हैं तो समझे हम चूके हैं, तो मैं उन सबका विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा, अपनी पूरी फैमिली को, अपने गांव और अपने शहर का, जो मुझे एक प्यार इतना देते हैं कि शायद ही किसी को इतना प्यार मुझे मिला हो। मैं पूरा अपना देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और अपने नेता राठौर साहब को भी विशेष धन्यवाद।